नमस्कार, मैं राकेश कुमार और नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली में सियासत का पारा उफान पर है। दिल्ली में पावर की लड़ाई और बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार एक दूसरे की बाहमर उड़ने में जुटे हैं। दिल्ली के अधिकारी किसकी सुनेंगे, ये फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कर दिया था, जिसमें साफ कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। लेकिन उसके बाद शुरू होता है सियासत का दौर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली का बॉस केजरीवाल सरकार रहेगी, लेकिन 8 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। वापस दिल्ली के तमाम फैसलों के अधिकार एलजी को दे दिए गए हैं, यानी दिल्ली के बॉस वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रातों रात पलटा जा सकता है? जी हाँ, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश ला करके ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। इस पूरी स्टोरी में हम आपको बताएंगे क्या कुछ सियासत में चल रहा है और क्या कुछ केंद्र सरकार ने सियासत के साथ मिलकर के कानून का जो नया पेच फंसाया है उसने दिल्ली सरकार को किस तरीके से हैरान कर दिया है। 2015 में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने इस मामले में 2016 में फैसला राज्यपाल के पक्ष में सुनाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट में 5 मेंबर्स वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड है, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के पास भेज दिया। इस बेंच के फैसले में दोनों जजों की राय अमूमन अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद ये मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास पहुंचा। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधानिक बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तारीख होती है 11 मई और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन अब इसी फैसले पर शुरू होती है केंद्र की सियासत। इस फैसले को लेकर केंद्र ने अध्यादेश के जरिए पूरा मामला ही बदल दिया है। भारत में कानून सिर्फ संसद के जरिए ही बन सकता है। आमतौर पर संसद के साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन कानून की जरूरत कब पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर रोल आता है अध्यादेश का। अगर सरकार को किसी भी विषय पर तुरंत कानून बनाने की जरूरत है और संसद नहीं चल रही है तो अध्यादेश लाया जा सकता है, और शायद यही चाल केंद्र सरकार ने खेली। ये बताने की कोशिश आपको करते कि अध्यादेश कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है, क्या कुछ अध्यादेश का महत्व है और किस तरीके से राजनीति में अध्यादेश का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताते हैं अध्यादेश आखिर लाया क्यों जाता है और दिल्ली वर्सेज केंद्र के मामले में इसका पूरा रोल क्या रहेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का जिक्र किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश संसद से पारित कानून जितने ही शक्तिशाली होते हैं, अध्यादेश के साथ एक शर्त जुड़ी होती है। अध्यादेश जारी होने के 6 महीने के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी होता है। अध्यादेश के जरिए बनाए गए कानून को कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें आम आवाम के मूल अधिकार छीने जाएं। केंद्र की तरह ही राज्यों में राज्यपाल के आदेश से अध्यादेश जारी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये जो कानून है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी अपने तमाम चीज़ों को जो विधानसभा या संसद में अगर नहीं हो पा रहे तो अध्यादेश के जरिए उसे उपयोग में ला सकती है। और दिल्ली में भी यही हुआ है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। ऐसे में इसे कानून में संशोधन करके या नया कानून बनाकर ही पलटा जाना संभव था। चूंकि संसद अभी चल नहीं रही है, ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया। अब 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में इस अध्यादेश को पारित कराना जरूरी भी है और आवश्यक भी। वहीं इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। सियासत शुरू होनी ही थी। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि यह देश के सबसे बड़ी अदालत की इंसल्ट और उसके पावर को चैलेंज किया गया है। यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक है और देश के फेडरल सिस्टम के लिए खतरनाक है। ऐसे में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती देगी। कुल मिलाकर के अब यहां सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी करते हैं और क्या राष्ट्रपति के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका जवाब 1970 में आरसी कूपर बनाम भारत संघ के केस के फैसले में मिलता है। इस केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में संविधान बेंच बना या नहीं यह तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास होता है। ऐसे में साफ है कि कानूनी तौर पर केजरीवाल इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और एक नई राजनीति शुरू हो सकती है। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। लोकसभा में बीजेपी और उसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है। ऐसे में आसानी से अध्यादेश पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित करवाना
बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के पास राज्यसभा में बहुमत से 8 सदस्य कम है। ऐसे में इन्हें दूसरे दलों की मदद की जरूरत होगी। वहीं विपक्षी एकता के जरिए केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश को हर हाल में रुकवाना चाहते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, इनमें एनडीए के पास कुल 110 सांसद हैं। फिलहाल 2 मनोनीत सदस्यों की सीट खाली है। संभावना है कि बीजेपी इस अध्यादेश पर वोटिंग कराने से पहले ही इन दोनों खाली सीटों को भर दे। इस तरह एनडीए के पास राज्यसभा में 112 सदस्य हो जाएंगे। इस तरह राज्यसभा में प्रभावी संख्या 238 हो जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो राज्यसभा में बहुमत के लिए 120 सदस्यों का समर्थन केंद्र सरकार को चाहिए। एनडीए के पास 8 सदस्य कम पड़ेंगे, यानी इस अध्यादेश को पास कराने के लिए एनडीए के अलावा दूसरे दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी। इस तरह का अध्यादेश केंद्र सरकार के आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। राज्यों के मामले में अध्यादेश जारी करना राज्यपाल के दस्तखत से होता है। कुल मिलाकर के अब इस अध्यादेश को कानून बनाने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रही है, और यहीं से शुरू होती है देश में एक नई सियासत। अभी हाल ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर कई विपक्षी दलों का स्टैंड क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अध्यादेश को लेकर केजरीवाल का समर्थन जरूर किया है। वहीं नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की है। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो है तो विपक्ष में, लेकिन फिलहाल इस मामले पर केजरीवाल के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल दिल्ली सियासत से जूझ रही है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।